स्कूल्स बंद हो गए हैं, लेकिन बच्चे जो प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट क्लासेस में आ गए हैं, उनकी वजह से अब शुरू से सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास सेवेंथ का है और विज्ञान का, साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का क्या नाम है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके जो पहला हेडिंग है वो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या होता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या चीजें हैं और इनका डेली लाइफ में क्या इनके यूजेज हैं, क्या किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। जैसे विज्ञान, अगर विज्ञान की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के तरीके से उसे समझें, तो विज्ञान को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसे साधारण शब्दों में समझते हैं कि कैसे। हम सबको पता है कि हमारा जो विकास है, मानव का जो विकास है, मानव के जीवन का जो विकास है, जीने का जो तौर तरीका है, वो किस तरह से परिवर्तित हुआ है कि एक समय ऐसा था कि मानव आदि मानव के रूप में जीवन जीता था, यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों पर निर्भर था, जो प्रकृति से हमें अवेलेबल थी, कि ना आग की खोज थी, शिकार करता था, खाता था, सारी चीजें, ना चलने के लिए कोई वाहन था, जितनी भी दूरी तय करनी होती थी पैदल चलता था। दूसरा क्या है कि शिकार करने के लिए भी किन चीजों का प्रयोग करता था, लकड़ी का, पत्थरों का, उन्हें ही मार के पशुओं को मारता था। तो ये, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कितने कितने जो लेटेस्ट हमारे पास हथियार हैं, आने जाने के लिए वाहन है, ये सारी चीजें क्या है, किसकी देन है, ये सब विज्ञान की देन है, प्रौद्योगिकी की देन है, टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अब दूसरा क्या है कि इसकी जो टर्म है प्रौद्योगिकी, पहले इसे समझ लेते हैं। इंसान ने क्या किया कि विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके अपने जीवन के जीवन को सरल बनाने के लिए, अपनी जीविका को सरल बनाने के लिए जिन जो खोजें की, जो आविष्कार किए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रौद्योगिकी कहलाते हैं, टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। जैसे कि जैसे पहले इंसान पैदल यात्राएं करता था, लेकिन अब हमारे पास मोटर बाइक है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, ये सारी चीजें किसकी देन है, प्रौद्योगिकी की देन है। ये क्या है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी है, साइंस की हमें देन है। अब इन्होंने हमारे जीवन को किस तरह से सरल बना दिया है, इनका दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, दैनिक जीवन में प्रयोग हर कोई, हम जब सुबह सो के उठते हैं और जब तक सोते हैं, बिस्तर पे जब तक जाते हैं, हम हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का आज की जो आज की डेट में जीव हमारी दिनचर्या का प्रत्येक क्रियाकलाप, उसमें कहीं ना कहीं साइंस शामिल है। बिना साइंस के आज के टाइम में हम अपने जीवन को जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये स्थिति है। जैसे कि सुबह सो के उठेंगे, हम टूथब्रश करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, साइंस है। उसके बाद हम स्कूल आएंगे, स्कूल हम किस से आ रहे हैं, मोस्टली हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, मोटर बाइक से आते हैं, वो सारी चीजें क्या है, साइंस है। उसके बाद हम जब क्लास में बैठते हैं, क्लास में बैठने के बाद अगर गर्मियों का मौसम है, पंखा चल रहा है, और लिखने के लिए हम कॉपी खोलते हैं, कॉपी क्या है, साइंस है। टीचर चॉक यूज करते हैं, ये क्या है, साइंस है। तो सारी चीजें हमारे जीवन का आज की डेट में लगभग हर एक क्रियाकलाप विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इसे शब्दों में कह पाना कि दैनिक जीवन में इसके क्या उपयोग है, हम हर हर पल उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हर चीज में हम साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह आज के टाइम में साइंस इन्वॉल्व है, मानव के जीवन में हर एक जगह साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मानव जीवन में परिवर्तन, ये शायद से होगा, प्रौद्योगिकी से मानव जीवन में परिवर्तन। अभी जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि सबसे शुरुआत में हम आदि मानव जब था, तो आदि मानव का जीवन कैसा था कि उसकी लाइफ में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, वो चलने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए पैदल चलता था,
लेकिन आज के टाइम में क्या है, हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं और वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि हम जल मार्ग से भी जा सकते हैं, मीन्स हम पानी वाले जहाज से यात्रा कर सकते हैं, हमें लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन है हमारे पास, हमें जल्दी कोई यात्रा करनी है तो हम हवाई जहाज यूज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड हवाई जहाज जो एरोप्लेन, तो ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने मानव के जीवन को किस तरह से परिवर्तित किया। अगर हम देखें कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखें तो पहले जब बिना रासायनिकों के जब खेती होती थी और जब ये सारी चीजें नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, टेक्नोलॉजी का अभाव था, तो क्या था कि जो उत्पादन था वो इतना कम होता था, बहुत विस्तृत क्षेत्र में भी इतना कम उत्पादन होता था कि लोगों के खाने पीने के लिए पर्याप्त जो अनाज था उसका उत्पादन भी नहीं हो पाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी की ही वजह है कि इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी क्या देखते हैं हम कि हम पर्याप्त मात्रा में अपना अनाज का उत्पादन कर पाते हैं। तो उसमें क्या है कि किस तरह से प्रभावित किया है कि हम पहले हलों से जुताई होती थी, सिंपल बैल से जो हल चलाए जाते थे, लेकिन आज के वो क्या था कि एक छोटे से खेत के टुकड़े को जोतने के लिए भी सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन अब क्या है कि ट्रैक्टर से और विभिन्न प्रकार के यंत्रों से हम खेतों की जुताई करते हैं, तो वो क्या है कि जो कई घंटों का काम था वो मिनटों में हो जाता है और इस तरह से हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे जीवन भी उससे आसान हो गया है। दूसरा कि पहले सिंचाई के सिर्फ क्या साधन होते थे कि बारिश हुई, हम प्रकृति पर निर्भर थे, बारिश हुई तो हमारी फसल को पानी मिल गया, लेकिन अब क्या है कि भूमिगत जल से हम खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्वेल्व और इस तरह की चीजें हैं हमारे पास कि हम अपने खेतों को जब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है हम अपनी खेती बाड़ी को पानी दे देते हैं। और ये कृषि के क्षेत्र में है कि सिंचाई में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम खेतों की बुआई में, हम जो आज के टाइम में क्या है कि बीजों पे भी परीक्षण चलते रहते हैं, एक से एक उन्नत बीज हम बुआई के टाइम पे यूज करते हैं, वो भी क्या है, वो भी साइंस की ही देन है। जब तो ये सारी चीजें अब इसमें जो विज्ञान की हेल्प से खेती के क्षेत्र में बहुत तरह की क्रांतियां आई हैं, क्रांति हुई उन्हें, तो हम बात कर रहे थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। हम कृषि की बात कर रहे थे तो क्या देखा गया कि विज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। उन क्रांतियों को किस तरह से हमने नाम दिया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, ये किस किस क्षेत्र में इनका इफेक्ट हुआ। हरित क्रांति फसल उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति शुरू हुई। श्वेत क्रांति क्या, दुग्ध उत्पादन में, कि जैसे दुग्ध उत्पादन में किस तरह से बढ़ावा मिला कि दुग्ध यानी कि जो पशु हैं, पशुओं की बेहतर देखभाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुई, उनके लिए क्या है कि उनके जो स्वास्थ्य संबंधी उनकी चीजों में सुधार किया गया। और पीली क्रांति किस लिए हुई, वो तिलहन उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति शुरू की गई उसका नाम रखा गया पीली क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में इसका बहुत योगदान रहा। जो श्वेत क्रांति शुरू की, वो शुरू करने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने श्वेत क्रांति के लिए एक तरह से जनक माने जाते हैं कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो की थी वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। इस चैप्टर का थर्ड जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से किन किन जो क्षेत्र हैं, किन किन एरियाज में क्रांति आई, क्रांति मतलब एक तरह से बूम आना किसी चीज में, तो वो सबसे पहले क्या, औद्योगिक क्रांति, कि उद्योगों के विकास में क्रांति आई। पहले क्या कि जब टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हुआ,
जैसे सबसे पहले हमने साइकिल पे चलना शुरू किया, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, और इस तरह से हम अपडेट होते रहे, नई से नई आविष्कार हम करते रहे और इस तरह से बदलाव आता रहा। इसी तरह से उद्योगों में जो मशीनें थी, पहले सिलो चलने वाली मशीनें थी कि वो कम प्रोडक्शन करती थी, लेकिन डे बाय डे मशीनों का अपडेशन हुआ और अपडेट मशीन जो कम वेट की, कम पावर कंज्यूम करती हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई, बूम आया। और एक पॉइंट है कि हमारा जो देश है भारत, वो क्या है कि विश्व के प्रमुख 6 राष्ट्रों में से औद्योगिक क्रांति में जो 6 राष्ट्र है उनमें शामिल है। दूसरा क्या है कि जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति किस तरह से आई कि पहले क्या होता था कि हमें कुछ चीजें, कुछ रिपोर्ट्स अपने रखने हैं, कुछ कलेक्ट करके रखने हैं, तो पहले हम क्या करते थे, हम पेपर का यूज करते थे या इस तरह से हम रजिस्टर मेंटेन करते थे और खाते प्रयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ कि कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया। किस तरह से आसान बना दिया कि हम तमाम तरह की गणनाएं कंप्यूटर में कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं और इसमें तमाम प्रकार के रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये इस तरह से कंप्यूटर के हम तमाम यूज हैं। और जैसे पहले तो कंप्यूटर से पहले क्या कि कैलकुलेशन के लिए हम क्या प्रयोग करते थे कि कैलकुलेटर प्रयोग करते थे। क्रांति क्या होती है या अपडेशन क्या होता है कि कंप्यूटर ने मोस्टली रिप्लेस कर दिया कैलकुलेटर। क्या है कि कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया कैलकुलेटर को। इस तरह से ये क्या, ये जो अपडेशन होता है किसी भी मशीन में अपडेशन, और ये एक मशीन को दूसरी मशीन रिप्लेस कर देती है, बेटर परफॉर्म करती है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक उस क्षेत्र में, उस फील्ड में क्रांति, एक तरह से इसे क्रांति के रूप में देखा जाता है। दूसरी चीज क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट का तो यूज आजकल इतना हो गया कि हर कोई इंटरनेट से वाकिफ है, हर कोई, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं इंटरनेट शामिल है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। अब हम शिक्षक हैं और विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं उनके हर किसी के जीवन में इंटरनेट जुड़ा हुआ है। ये जो अब हमारी पढ़ाई चल रही है ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है। ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले क्या है कि मैन्युअली खत लिखे जाते थे या लेटर्स लिखे जाते थे और वो डाक से भेजे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ईमेल है, यहाँ से टाइप करो और सिर्फ बटन दबाओ और कहीं भी उस मेल को कर दो। ये सारी चीजें किसकी देन है, ये इंटरनेट की देन है। और एक जो जनसंचार क्षेत्र में क्रांति का एक बड़ा कारण क्या है, हमारा मोबाइल फोन व स्मार्टफोन। आज हर किसी के हाथ में हम मोबाइल फोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन देखते हैं। स्मार्टफोन जो हमें कॉलिंग की भी, जिससे कॉलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम उसमें कर लेते हैं। हर इसका प्रयोग तो बताने की शायद आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हर कोई इसके प्रयोग से आज के टाइम में वाकिफ है। हर किसी के हाथ में फोन है और वो इसके प्रयोग को जानता है कि इंटरनेट फोन में होता है तो उससे कितनी चीजें हो जाती है कि मनोरंजन हो, कि हमें कोई वीडियो देखनी हो, पढ़ाई लिखाई हो, या हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो, हमें किसी से बात करनी हो, ये सारी चीजें स्मार्टफोन करने में कैपेबल होता है। और क्या है कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। ये अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से चीजें अपडेट हुई कृषि में और कैसे चेंजेज आए ईंधन के क्षेत्र में, कि पहले क्या था कि हम किस तरह के ईंधन पर डिपेंड थे। पहले हम लकड़ी, इस तरह के ईंधन पे हम डिपेंड थे कि जो प्रकृति में हमें मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब इसमें भी क्या क्रांति हुई कि हम क्या है कि ईंधन में, अब ईंधन के हमने नए नए सोर्सेज खोज लिए कि सिर्फ हम लकड़ी जला के ही ऊष्मा या ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। कि अब अपडेशन, हम लकड़ी के बाद हम एलपीजी पे शिफ्ट हुए। एलपीजी से हम अगर घर की बात करें तो पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था, लेकिन लकड़ी के बाद हम एलपीजी पे हम शिफ्ट हो गए। आज के टाइम में हमारे पास सीएनजी है और जो सीएनजी का ईंधन का ही एक स्रोत है, गाड़ियों को चलाने में हम प्रयोग करते हैं। डीजल इंजन से पहले गाड़ियां चलती थी डीजल या पेट्रोल से, वो सीएनजी पे शिफ्ट कर गई है और अब
इससे भी आगे ईंधन के बहुत सारे ऑपरेशन है कि अब सौर ऊर्जा को हम बहुत ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, ईंधन के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले चिकित्सा क्या होता था कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो साधारण सी आयुर्वेदिक दवाइयां लेता था या अपने घरेलू उपचार ही कर पाता था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आज के टाइम में टेम्परेचर ऑफ योर फोन इज टू हाई। अच्छा, वीडियो बना बना कर हाई हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हुआ है या जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें किस तरह से हेल्प किया है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि पहले जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो क्या किया जाता था कि कुछ घरेलू उपचार दिए जाते थे, जो हमारे पास जो चिकित्सा मतलब डॉक्टर्स के पास जो मशीन्स थे वो उतने अपडेट नहीं थे, नॉर्मली नब्ज दे के बीमारियों का पता किया जाता था। लेकिन आजकल हर चीज की जाँच के लिए हमारे पास अपडेटेड मशीने हैं कि एक्सरेज हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन है, और दूसरा क्या है कि एमआरआई कराना है किसी तरह का, कि शरीर के प्रत्येक अंग की लगभग जांच के लिए मशीनें अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से संभव हो पाई हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाई हैं। अब अगला सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्र सुरक्षा में विज्ञान ने किस तरह से हमारी हेल्प की है, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमारी हेल्प की है कि पहले क्या था कि बॉर्डर पे सीमा पे जवान रहते थे और आमने सामने का युद्ध होता था, कि इस तरह के अपडेटेड हथियार हमारे पास नहीं थे, किसी भी देश के सैनिकों के पास नहीं थे, हमारे पास ही क्या किसी के भी पास नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो सुरक्षा है, जो हमारी सीमाएं हैं वो पहले से ज्यादा सुरक्षित है। कैसे, एक तो कि वहाँ मैनुअली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता, कैमरा से ऑब्जर्वेशन हो जाता है सीमाओं का कि कौन सी कहाँ कौन सी कैसी गतिविधि चल रही है, और दूसरा क्या है कि आज के टाइम में ऐसे ऐसे हमारे पास हथियार हैं कि जो बहुत दूरी तक मार कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि युद्ध क्षेत्र में भी बदलाव हुए हैं, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। जिस तरह से अब जो प्रेजेंट कंडीशन हो रही है, अगर एक तरह से कुछ बीच में अपवाह की है, क्या चीजें हैं कि अब जो रिसर्चेज हैं वो बायोवार की तरफ चल रही हैं कि हथियारों से आमने सामने की लड़ाई तो गोलों की लड़ाई नहीं बल्कि किस तरह का बार होगा, बायोवार होगा, वायरसेस का बार होगा, कि यानी कि जो कुछ कंट्रीज हैं वो इस तरह के वायरसेस बनाने में या उनकी खोज में लगे हुए हैं कि उन्हें दूसरे कंट्रीज के लोगों के में इंजेक्ट करके या किसी तरह से उनमें पहुंचा के, और वहां क्या है कि वो बिना तो बोलो की लड़ाई हो जाएगी कि उससे खुद ही क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं वो क्या है कैपेबल नहीं रहेंगे किसी काम को करने में वो, और क्या है कुछ डेथ हो जाए या इस तरह की चीजें हो जाए। तो इस तरह की तरह जो चीजें हो रही हैं कि युद्ध के तरीके बदल दिए हैं टेक्नोलॉजी ने। जैसे हम पढ़ते भी आए हैं कि विज्ञान के क्या है कि जितने प्रयोग हैं, जितना ये हमारे लिए यूजफुल है उतना हार्मफुल भी है अगर इसे तरीके में हम प्रयोग ना करें। तो ये सारी चीजें कि यानी कि विज्ञान जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन यूजफुल कब तक है कि जब हम उसका एक अच्छे वे में, एक करेक्ट वे में हम उसका यूज करते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है जब हमारा इसे प्रयोग करने का तरीका बदल जाता है। तो हमें विज्ञान का, साइंस का यूज करना है, लेकिन एक अच्छे तरीके से इसका यूज करना है। इस जो वीडियो